दिशा बदलने से कैसे जिंदगी बदलती है पता ही नहीं चलता। एडवेंचर से दोस्ती करने के बाद कब अकेलापन खत्म हो गई है याद नहीं। रफ्तार पागलपन तब तक जिंदा है जब तक खुलेआम ये दुनिया घूमने का हौसला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं घूमने आया हूँ दार्जिलिंग जू। ये दुनिया का सबसे ऊंची जू है जिसका हाइट है 7000 फीट। जवाहर पर्वत के ऊपर ये जू स्थापित हुआ 1958 में और इसका नाम है पद्मोजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मोजा नायडू थी वेस्ट बंगाल का 5th गवर्नर और उनकी माताजी थी इंडिया का फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू। उम्मीद करता हूँ आप सबने ये नाम सुना है। तो ये है जू का मेन गेट और साइड में टिकट काउंटर है। तो आप अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या एनिमल्स है। तो ये है टिकट। तो टिकट का प्राइस है साउथ एशियन सिटीजन के लिए 60 रुपीज़ और अदर सिटीजन के लिए 100 रुपीज़। और हाँ, कैमरा के लिए आपको अलग से 10 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और ये जू खुला रहता है 8:30 AM to 4:30 PM और गुरुवार बंद रहता है। तो जू में इंटर करने के बाद सबसे पहले आपको ये जू का मैप देखने को मिलेगा और हर एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन उसके केज के बाहर है। जू के अंदर भी आपको ऊपर उठना पड़ेगा और ट्रैक वाइज कितना एनर्जी वेस्ट होता है वो पता चलेगा। एक छोटा मोटा ट्रेकिंग जैसा फील होगा। सबसे पहले देखने को मिलेगा ये मारखोर। मारखोर का मतलब है स्नेक ईटर। ये सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है और ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है और IUCN इसको 2015 में रेड लिस्ट में डाल दिया। ये है मिशमी टकिन और ये बकरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे है ब्लू शिप। ये नॉर्थ इंडिया चाइना नेपाल भूटान और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ये है सांबर डियर जो साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है और इंडिया में इस टाइप हिरन सबसे ज़्यादा है। ये है बार्किंग डियर जो हिरन का सबसे पुराना जात है। थोड़ा ऊपर देखने को मिलेगा हिमालयन उल्फ जो कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और एक बात फ्रेंड्स, आप जब दार्जिलिंग घूमने आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे आना क्योंकि दार्जिलिंग में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है सबसे नज़दीक यही है। बस स्टैंड से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे होगा तो पैदल भी आ सकते हो। और ये जो सुबह 8:30 बजे ओपन होता है लगभग 1.5 घंटे में विजिट कंप्लीट हो जाएगा तो आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। और ऊपर जाने से कुछ खूंखार जानवर देखने को मिलेगा जैसे कॉमन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ब्लैक पैंथर और रॉयल बंगाल टाइगर जो हर जू में देखने को मिलता है। सबसे ऊपर एक एवियरी है जिसमें कोकाटेल पैरोट मैकाओ और पिजंट है। नीचे उतरते ही आपको एक रेप्टाइल हाउस देखने को मिलेगा। बाहर में कुछ एक्वेरियम है और अंदर रसेल वाइपर है, इंडियन रॉक पाइथन है। यह है जू का मेन सेंटर। यहाँ पे रहता है एशियाटिक ब्लैक बियर जिसको हिमालयन बियर भी बोलते हैं, लेकिन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, शायद छुप गया। दूसरी तरफ ऊपर उठते उठते और भी कुछ एनिमल्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखने को मिलेगा रेड पांडा जो सिक्किम का स्टेट एनिमल है और ये क्यूट रेड पांडा इस जू का सबसे अट्रैक्टिव एनिमल है। ये है लेपर्ड कैट जो 2002 में रेड लिस्टेड हो गया। यहाँ पे है हिमालयन पाम सिवेट जो 2008 में रेड लिस्टेड हो गया। जंगली बिल्ली भी है और ये महारानी देखो सुबह सुबह धूप में चक्कर काट रहा है। और कुछ पिकॉक पिजंट भी देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि यहाँ पे जो जो एनिमल्स है ज़्यादातर हिमालयन रीजन का एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जिसको कंजर्व करना और ब्रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इस जू का साइज़ उतना बड़ा नहीं है, इसका एरिया है 67 एकड़, फिर भी ये जू बहुत फेमस है क्योंकि बहुत ऊँची जगह पर अच्छे से एनिमल को कंजर्व करने के लिए ये जू 2014 में द अर्थ हीरोज इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिया। और ये अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट और द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के द्वारा हर साल दिया जाता है। और ये इंडिया का पहला ऐसा जू है जो ये अवार्ड जीता है। और ये जू एक एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम भी चालू किया, जिसमें आप एनिमल कंजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ पे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनिमल लवर्स हो तो ज़रूर यहाँ पे घूमने आना, क्योंकि यहाँ पे वाइड वेराइटीज एनिमल है। और इस लोकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।